और बिहार कृषि प्रधान राज्य में शुमार है और चुनावी मुद्दों में भी किसानों का मसला हमेशा गर्म रहता है। ऐसे में इस बार के बजट में किसानों पर खास ध्यान दिया गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हर खेत तक सिंचाई का पानी और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को कृषि और ग्रामीण विकास के रूप में बजट में प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, किसानों को खुशहाल बनाने और ग्रामीण जीवन को आसान बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है। बजट में किसानों के लिए क्या मिला है, चलिए सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। तो देखिए, किसानों के लिए इस बजट में क्या कुछ खास है। कृषि विकास के लिए 2008 से कृषि रोड मैप लागू किया गया, चतुर्थ कृषि रोड मैप बनाने का काम हो रहा है। पौधा संरक्षण अभियान किसानों तक पहुंच रहा है। बागवानी फसलों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। किसानों में फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया गया है। बंजर भूमि में लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा, किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। जैविक खेती के प्रोत्साहन पर फोकस किया जा रहा है। जैविक खेती के उत्पादों को बाजारों से जोड़ा जा रहा है। परंपरागत फसलों के अलावा कमर्शियल खेती पर भी जोर दी जा रही है और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, शिमला मिर्च जैसे फसलों का उत्पादन बढ़ा है। 2.3 लाख फसलों का पौधा किसानों में बांटा गया है। इसके अलावा मखाना और मधु के सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होंगे। मखाना और मधु की इससे उत्पादकता बढ़ेगी। मिलेट फसलों को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन की शुरुआत होगी। दलहन और तिलहन फसलों के विकास पर भी फोकस होगा। सरकार हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने को प्रतिबद्ध है। महोदय, सदन को यह बताना है कि कृषि रोड मैप में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के फलस्वरूप 2011-12 में चावल, 12-13 में गेहूं, 15-16 में मक्का, 16-17 में फिर मक्का और 17-18 में गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिए गए। और महोदय, यह भी बताते हुए खुशी है कि गुणवत्ता उत्पाद में गुणवत्तापूर्ण उत्पाद के रूप में पहचान बनाने वाले बिहार के कृषि धरोहरों, जो हमारी समझिए कि परंपरागत विशेषता रही है, कतरनी चावल, जरदालू आम, शाही लीची, मगही पान और मिथिला मखाना को राज्य सरकार के प्रयास से भौगोलिक सूचकांक पंजीकरण यानी GI टैग मिल गया है। ये राज्य सरकार की भारी उपलब्धि है। महोदय, राज्य सरकार के साथ निश्चय 2 के अवयव हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में वर्ष 2023-24 के बजट में यानी इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। महोदय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, किसानों को खुशहाल बनाने और ग्रामीण जीवन को सुविधाजनक एवं सुगम बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार